नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો વલી સમાચાર અને ઇવનિંગ બુલેટિન સાથે હું છું માસુમ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સ થી। लोकसभा चूंटणी परिणाम पहला दूध ना भाव में उभरो। अमूल गोल्ड ना लीटरे बे वध्या। शक्ति अने टी स्पेशल ना भाव में पण वधारो। एक थी बे दिवस गरमी अकड़ावी शके। गुजरात में 13-15 जून सुधी में चोमासु बेसशे। सौराष्ट्र में सौथी वधु वरसाद पड़वानी संभावना। वादळिया वातावरण वच्चे तापमान 42 डिग्री। 5 दिवस पछी गरमी में फरी 2 डिग्री सुधी वधारानी आगाही। सरकारी यूनिवर्सिटी में कॉमन पोर्टल थी प्रवेश। राज्यनी 13 यूनिवर्सिटी में प्रवेश माटे 3 लाख विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करावियो। शहर में 83 विषयों की परीक्षा लेवाशे। यूजीसी नेट 18 जूने लेवाशे। बे शिफ्ट में परीक्षा नु आयोजन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा धोरण 10 और 12 की पूरक परीक्षा माटे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करवामां आवे छे। जे अंतर्गत विद्यार्थियों आगामी 15 जून सुधी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावी शकशे। सीबीएसई बोर्ड द्वारा धोरण 10 और 12 नुं परिणाम जाहिर करायुं छे। फेब्रुआरी थी एप्रिल महीना दरमियान लेवामां आवेली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा परिणामों मे महीना में आया था। आ परीक्षा में नापास थयेला विद्यार्थियों वर्ष न बगड़े ते माटे तेमनी सप्लिमेंटरी एटले के पूरक परीक्षा लेवामां आवशे। जिकास पोर्टल पर स्नातक अभ्यासक्रम में रजिस्ट्रेशन नो 2 जून रविवार ना छेलो दिवस हतो। ज्यारे अनुस्नातक अभ्यासक्रम ने तारीख बदली ने 13 जून करवामां आवी छे। मोटा भागनी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बेचलर डिग्री ना परिणामों आव्या ना होवाथी तारीखों बदलवानो वारो आव्यो छे। चालू वर्षे 15 सरकारी कॉलेजों में प्रवेश माटे कॉमन यूनिवर्सिटी पोर्टल ना माध्यम थी प्रवेश प्रक्रिया करवामां आवनार छे। 30 मे केरळ में चोमासानुं विधिवत आगमन थई गयुं होवाथी शहर में चोमासु समयसर बेसी जशे। जूनना बीजा अठवाडियाथी प्रीमोन्सून एक्टिविटी शुरू थशे। तेमज 13-15 जून सुधी में सूरत में चोमासु सक्रिय थई जशे। दक्षिण पश्चिमना दरियाई भेजवाड़ा पवनों ने कारण भेज वधता रात्रिनुं तापमान वधे बफारो वधी शके छे। बीजा अठवाडियाथी प्रीमोन्सून एक्टिविटी शुरू थवाथी बफारो घटशे। धोरण 12 साइंसना उत्तरवाही अवलोकननी कार्यवाही 6-8 जून सुधी चालशे। आ माटे कॉल लेटर पण जाहिर करी देवाया छे, जेथी बोर्डे हवे परीक्षार्थीओने रूबरू बोलावीने उत्तरवही देखाडशे। गुण चकासणी पूर्ण थया बाद हवे बोर्डे उत्तरवही अवलोकननो कार्यक्रम जाहिर कर्यो छे। बोर्ड समक्ष जे परीक्षार्थीए रूबरू अवलोकन माटे एप्लिकेशन करी छे, तेमने 6-8 जूनमां रूबरू बोलावी उत्तरवही देखाडाशे। दरिया किनारे भारे पवन फूंकावानी आगाही ने पगले 1-7 जून डुमस, सुवाली, दांडी, डभारी बीच बंद कराया छे। जो के 1 अने 2 जूने भारे पवन फूंकाया न हता, तो रविवारे पण पवननी सरेराश झड़प 7 किलोमीटर नी अने महत्तम 21 किलोमीटर रही हती। सोमवारे महत्तम 25-30 किलोमीटर रही, तो 4-7 जून 25-35 किलोमीटर रही शके छे। आम आगामी दिवसों में भारे पवन की संभावना नहीवत होवा छता वेकेशन में बीचों बंद कर देवाता लोगों में कचवाटनो माहौल छे। हवामान विभाग की आगाही मुजब आगामी 5 दिवस राज्य में वादळियुं वातावरण रहेशे, परंतु उत्तर गुजरात ना केटलाक भाग में छूटाछवाया झापटा वरसी शके छे। त्यारबाद 3 दिवस सुधी पवन की झड़प वधीने 30-35 किलोमीटर प्रति कलाकनी थशे। आ उपरांत 5 दिवस बाद राज्यना केटलाक जिला में 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान वधी शके छे। उत्तर अने मध्य गुजरात जिलाओं में 1-8 डिग्री सेल्सियस तापमान वधी शके छे। समाचारों की शुरुआत करिए तो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिसिन साइंस द्वारा 23 जूने पीजी नीट नु आयोजन करायु छे। आ टेस्ट माटे अरजी करनारा विद्यार्थियों ने पोताना फॉर्म में भरेली विगतो 3 जून सुधी सुधारी शकशे। आ अंतर्गत विद्यार्थी पोतानो फोटो, अंगूठानो निशान के हस्ताक्षर में फेरफार करी शकशे। निष्णातोना जणाव्या अनुसार विद्यार्थी भरेला फॉर्म में अपलोड करेलो फोटो गाइडलाइन अनुसारनो नहीं होय तो फॉर्म रिजेक्ट थई शके छे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नीट तेमज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जून कार्यक्रम की जाहरात कराई है। जाहरात अनुसार 18 जूने बे शिफ्ट में आ टेस्ट लेवामां आवशे। परीक्षा 10 दिवस पहला परीक्षा की स्लीप आपी देवामां आवशे, जेमां विद्यार्थियों एक्जाम सेंटर आपी देवामां आवशे। जाहिर करेला कार्यक्रम मुजब बे शिफ्ट में आ टेस्ट योजाशे। गुजरात यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन पोर्टल जिकास द्वारा हाथ धरायेली प्रथम वर्ष साइंस कॉमर्स आर्ट सहित विद्या शाखा स्नातक कक्षा की बैठक पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जूने पूर्ण थी थी, जी अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अंतिम दिवसे आश्रे 3 लाख विद्यार्थियों फी भरी रजिस्ट्रेशन करायु। अरबी समुद्र तरफ थी फूंकाता भेजवाड़ा पवनों और साइक्लोनिक सर्क्युलेशन थी शहर में गर्मी पारो घट्यो, परंतु वातावरण में भेजनु प्रमाण वधता बफारा प्रमाण वध्यु। आगामी 5 दिवस बाद शहर में फरी गर्मी पारो उंचकावानी वकी हवामान विभागे व्यक्त करी छे। हवामान विभाग आंकड़ा अनुसार रविवार अमदावाद महत्तम तापमान 42 डिग्री और लघुत्तम तापमान 29.4 डिग्री नोधायु थू। शहर में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की असर थी ठंडा पवन शुरू थे, परंतु वातावरण में भेजनु प्रमाण वधता बफारानु प्रमाण वध्यु। आगामी 4-5 दिवस अमदावाद में गर्मी पारो 42 डिग्री आसपास रहेशे। 7 और 8 जून रोज गर्मी पारो 1-2 डिग्री उंचकावानी शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी छे। 3, 6, 7 और 8 जून रोज वादळछायुं वातावरण रहेवानी शक्यता छे। रविवार अमदावाद सहित 5 शहरों में गर्मी पारो 40 डिग्री वधु नोंधायो हतो। सुरेन्द्रनगर में सौथी वधु 43 डिग्री गर्मी नोंधाई हती। हवामान विभाग आंकड़ा मुजब रविवार अमदावाद महत्तम तापमान 42 डिग्री और लघुत्तम तापमान 29.4 डिग्री नोधायु थू। शहर में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की असर थी ठंडा पवन शुरू थे, परंतु वातावरण में भेजनु प्रमाण वधता बफारा प्रमाण वध्यु। आगामी 4-5 दिवस अमदावाद में गर्मी पारो 42 डिग्री आसपास रहेशे। आवनार 5 दिवसों में गुजरात नु वातावरण शुष्क रहेशे। गई काले महत्तम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस सुरेन्द्रनगर नु रह्यु हतु। ते सिवाय अमदावाद में 42 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 41.7 सेल्सियस तापमान नोंधायु हतु। अमुक विस्तारों में 1-2 डिग्री तापमान वधवानी संभावना छे। हाल वरसाद पड़वानी कोई संभावना नथी। आवता अठवाडियाथी गुजरात अमुक विस्तारों में प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू थई जशे। आवनार 2 दिवस में 20-25 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे पवन फूंकाशे। हाल में पश्चिम थी दक्षिण पश्चिम पवन असर थी अमदावाद में गर्मी पारो घट्यो छे। तेमज जूनना प्रथम अठवाडिया दरमियान पारो 38-40 डिग्री वच्चे रहेशे, परंतु जूनना बीजा अठवाडिया दरमियान पवन की दिशा बदलाई राजस्थान तरफ थी आवता उत्तर पश्चिम सूका गरम पवनों थी अमदावाद सहित समग्र उत्तर गुजरात में महत्तम और लघुत्तम तापमान उंचकावा गर्मी वधशे। 15 जून थी प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू थी जाशे, परंतु 3-4 अठवाडिया दरमियान सामान्य थी वधु वरसाद पड़शे। तेमाय खास करीने राज्यना सौराष्ट्रना मोटा भागना विस्तारों में सौथी वधु वरसाद पड़वानी शक्यता छे। 4 जूने लोकसभा चूंटणीना परिणामों जाहिर थशे, जो कि तेना 3 दिवस पहला ज लोकोने मोंघवारीनो मार पड़ी रह्यो छे। चूंटणी परिणाम पहला अमूलना दूधना भाव लोकोने दझाड़शे। अमूल गोल्ड दूधमां लीटरे 2 वध्या छे। अमूल शक्ति अने टी स्पेशलना भावमां पण वधारो करायो छे। आ भाव वधारो सोमवारथी लागू थयो छे। मळती माहिती अनुसार 2 जूने सत्तावार नवा भाव जाहिर करवामां आव्या छे। अमूल दूधना भावमां प्रति लीटरे 2 रूपियानो वधारो थता लोकोमां रोष जोवा मळी शके छे। तो अमूल दूधना भावमां प्रति लीटरे 2 रूपियानो वधारो 2 जून थी अमली बन्यो छे। 3 जूने दूध खरीदना जनाने प्रति लीटरे 2 रूपया वधारे चूकवा पड़शे, जेथी अमूल गोल्ड में 64 ने बदले 66 रूपया चूकवा पड़शे। जारे 500 मिलीनी थैली माटे 33 रूपया आपवा पड़शे। अमूल ताजाना प्रति लीटर 54 अने शक्तिना प्रति लीटरे 60 रूपया चूकवा पड़शे। तो गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूलना ब्रांड नाम हेठळ दूध अने दूधनी बनावटोनु मार्केटिंग करनार ताजा पाउच दूधना भावमां अंदाजे वधारो कर्यो छे। देशभरना तमाम बजारों में 3 जून 2024 थी प्रति लीटर 2 लागू थशे। प्रति लीटर रूपया 2 नो वधारो एमआरपी में 3-4% नी रेंज में वधारो करे छे, जे सरेराश खाद्य फुगावो करता घणो ओछो छे। ए नोंधवु योग्य छे कि फेब्रुआरी 2023 थी अमूले मुख्य बजारों में फ्रेश पाउच दूधना भाव में कोई वधारो कर्यो नथी। तो इवनिंग बुलेटिन में अत्यारे बस आटलुं ज। नमस्कार।